नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं विद्यानंद टेक्निकल स्टूडियो। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर कैसे बनाते हैं। तो आप में से जो लोग ऑफिस जाते होंगे उनको ये बात शायद पता होगी, ठीक है, कि क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर क्या होता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर का मतलब, ईमेल सिग्नेचर क्लिकेबल का मतलब मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ईमेल सिग्नेचर का मतलब आपके ईमेल द्वारा आपसे कांटेक्ट और कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, उसका नाम है इंफोसिस, ठीक है, मान लीजिएगा। तो आपको उस कंपनी से किसी और को अपना ईमेल सेंड करना है, तो जो आपका ईमेल रिसीव करेगा, ठीक है, जो आपका ईमेल रिसीव करेगा वो आपके अकाउंट पर जाते ही आपके फेसबुक आइकॉन पर क्लिक करेगा, या फिर इंस्टाग्राम आइकॉन, या फिर आपका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां पर वो क्लिक करेगा तो सीधा आपके अकाउंट पर चला जाएगा, ठीक है। क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर, अब आप समझिए, क्लिकेबल का मतलब आपने जो लिंक दी होती है उस लिंक पर क्लिक करते ही डायरेक्ट आपके अकाउंट पर चले जाता है वो आदमी, ठीक है, आप समझिए। तो वीडियो अंत तक देखना दोस्तों, क्योंकि मैं लास्ट में एक हिंट बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूं। एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा तो आप अपने गूगल प्ले में जाइए, वहां पर सर्च कीजिएगा गूगल डॉक्स, ठीक है, गूगल डॉक्स, देखिए सर्च बटन, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये एक जेन्युइन एप्लीकेशन है, आप इस पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर राइट में एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा हो, प्लस साइन एक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। अब न्यू डॉक्यूमेंट, आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है। सिंपली आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको यहां पर फिर से प्लस साइन ऊपर नजर आ रहा होगा, यहां पर क्लिक करें। तो दोस्तों एक क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाने के लिए आपको दो कॉलम्स और एक रो चाहिए, ठीक है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए 1 2, मैं सिंपली इस पर 1 रख देता हूँ। आप इंसर्ट टेबल, ठीक है, आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। तो एक ईमेल सिग्नेचर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके कंपनी का लोगो, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसका लोगो, ठीक है। मैं फिर से इस प्लस साइन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है इमेज, इस पर क्लिक करिएगा। अब वो इमेज कहाँ सेव की है, फ्रॉम फोटोज, ठीक है। देखिए ये एक इमेज है, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक इमेज डाउनलोड की है, ठीक है। आप अपने खुद की कंपनी का लोगो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, ये मैंने लोगो सिलेक्ट कर लिया। देखिए आप देख सकते हैं ये पूरा नहीं आ रहा है, ये आधा आ रहा है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको राइट कॉर्नर में, उस पर क्लिक करें और पहला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, उस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए अब ये आपको फुल पेज में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जो मैंने सिंबल इसमें इंसर्ट किया है उस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए ये पूरा ब्लू डॉट में एक बॉक्स तैयार हो गया है, उस पर मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। उस पर मैं राइट कॉर्नर से ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, जैसे कि ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। मैं जितना चाहता हूँ उसको छोटा कर सकता हूँ, ठीक है, इतना रहने दीजिए। अब देखिए ये सिंबल आपकी कंपनी का लोगो वाला जो बॉक्स है वो आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने ऊपर इस बॉक्स के ऊपर आपको एक ग्रे लाइन दिख रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए और
उस पर जो थ्री लाइंस हैं, देखिए यहाँ पर देखिए थ्री लाइंस दिख रही है आपको ग्रे कलर में, उस पर ड्रैग करके आप ये अपना बॉक्स छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब आना है राइट कॉर्नर में। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम, सबसे पहले नाम मैं टाइप कर लेता हूँ, NAME, नेम। ठीक है, नेम, नाम ये डाल देता हूँ अपना नाम, आदित्य जाधव। ठीक है, अब दूसरा, हमें जिस व्यक्ति का ईमेल सिग्नेचर बनाना है उसका प्रोफेशन हमें चाहिए, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो एक कंपनी का CEO हो, या फिर MD हो, या फिर सेल्स मैनेजर हो, या फिर एक स्टूडेंट हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी ये इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए सिर्फ सेल्स मैनेजर लिख देता हूँ। ये अब आगे इसमें आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, एड्रेस। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, एड्रेस हो गया मेरा। जैसे कि आप एड्रेस यहां पर पूरा मत डालिए, कभी भी आप यहां पर पूरा एड्रेस मत डालिएगा, ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सलाह देता हूं कि सिर्फ आप, अगर मैं देखिए मैं कोल्हापुर में रहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर कोल्हापुर लिख देता हूँ, कोल्हापुर कॉमा महाराष्ट्र। ठीक है, डॉट, फुल स्टॉप, इंटर, तो फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब आगे आपको अपना ईमेल डालना है, ईमेल, ईमेल ये सबसे जरूरी चीज है, ध्यान से सुनिए। ईमेल डाल दिया, अब आपको अपना ईमेल इसमें डाल देना है। ठीक है, अब इसके नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, कॉन्टैक्ट, ठीक है, 8149 डॉट। ठीक है, यह आपका मोबाइल नंबर हो गया। आप चाहे तो इसे कई अलग फॉन्ट्स में या फिर कलर में इसे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आप जिस भी लेटर का नेम चेंज करता है उस पर क्लिक कीजिए। देखिए मैं अगर नेम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको नीचे ए दिखाई देगा, ए, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कई अलग कलर कलर खुल जाएंगे। ठीक है, तो मैं रेड चुन लेता हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी कलर चाहिए वो चुन लीजिएगा। ठीक है, अब एड्रेस आ गया, इसे भी मैं कलर दे देता हूँ, तो अगर आप मेरी बात माने तो जो ये टैग्स है, जैसे कि नेम हो गया, एड्रेस हो गया, इसको आप हमेशा हाईलाइटेड ही रखिए, इससे आपका ईमेल सिग्नेचर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा, प्रोफेशनल दिखने लगेगा। ठीक है, हो गया। अब सबसे ज़रूरी चीज़, ठीक है, आप चाहे तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे फॉन्ट्स हैं, तो मेरी सलाह माने तो ये डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, एक लाइन क्रिएट हो जाएगी आपके सामने। अब यहाँ पर फिर से प्लस बटन, अब हमें अपने आइकॉन्स यानी कि हमारे लोगोस यहाँ पर डाल देने हैं। तो वो लोगोस कहाँ होंगे, इमेज में, मैं सीधा इमेज में चला जाता हूँ,
फोटोज़ में ये आपके लिए डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखने में देखे बड़ा दिख रहा है। फिर से मैं वही लोगो का टेक्निक यूज़ करूँगा, इसको मैं छोटा करूँगा, ड्रैग करना है और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब इसको हमें क्लिकेबल बनाना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसको हमें अब क्लिकेबल बनाना है। अब मैं इस लोगो को फिर से क्लिक करूंगा। ठीक है, अब मैं फिर से प्लस साइन क्लिक करूंगा। यहां पर जो पहला ऑप्शन है लिंक, उस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपको अपने फेसबुक का लिंक डाल देना है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि कैसे अपने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम ट्विटर के अकाउंट का लिंक कैसे बनाना है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आप चुटकियों में बना सकते हैं। सिंपली आप क्रोम ब्राउज़र पर जाइए और वहाँ पर अपने फेसबुक या फिर आप जिसे भी अकाउंट का लिंक बनवाना चाहते हैं, वहाँ पर क्रोम से आप अकाउंट्स में लॉगिन कीजिएगा। अपने क्रोम ब्राउज़र से आपको वहां पर लॉगिन करना है दोस्तों। जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं, आपके अकाउंट का लिंक वहां पर कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स नज़र आ जाएंगे वहां पर। ठीक है, आपको वहां पर कॉपी कर लेना है और यहां पर आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया है, अब मैं इधर पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब ये हो गया मेरा फेसबुक का लिंक तैयार। ठीक है, मैं अब इस बटन पर क्लिक करूँगा, ओके। अब इसके बाद सेम ऐसे ही आप इमेज में जाइए, फोटोज़ में जाइए। अब दूसरा वाला इंस्टाग्राम, हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर से वही प्रोसेस, आपको ये ड्रैग करना है, इसको छोटा बनाना है। ठीक है, वैसे ही इस पर क्लिक कीजिए, फिर से प्लस बटन और यहाँ पर लिंक बटन। मैं इसका भी लिंक मैंने बना लिया है, पेस्ट। ठीक है, ओके। अब इसी तरह और भी आप डाल सकते हैं, इमेज फ्रॉम फोटोज। मैं ट्विटर का डाल लेता हूँ। देखिए, हो गया। मेरा ट्विटर का कोई अकाउंट नहीं है, तो मैं इसमें लिंक नहीं डाल सकता। ठीक है, हो गया। इसी तरह आप अपने सारे अकाउंट्स का लोगो यहाँ पर बनाकर डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको देखने में कुछ ज़्यादा लंबा दिखाई देगा। जहाँ पर आपने अपना नाम वगैरह टाइप किया है, वो बॉक्स आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उस पर क्लिक करिए बॉक्स पर। अब फिर से जैसे हमने लोगो का ऑप्शन सिलेक्ट किया था, वैसे ही यहाँ पर 3 लाइन्स आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो वहाँ पर क्रॉस हेयर आपका रख कर उसको छोटा कर लेना। ठीक है, बस हो गया, सिंपल। ठीक है, अब आपको इसे सेव करना है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इसमें गलती मत कर देना। ठीक है, आपको यहाँ राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर ये शेयर एंड एक्सपोर्ट, यहाँ पर देखिए लास्ट से 4th ऑप्शन, वहाँ पर क्लिक कीजिए, शेयर एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पर लास्ट से 3rd ऑप्शन सेव एस, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड इन ब्रैकेट डॉट डॉक्स में ही सेव करना है। अगर आप इसको PDF, ओपन डॉक्यूमेंट या प्लेन टेक्स्ट या फिर और किसी भी फॉर्मेट में अगर आप इसको सेव करते हैं, तो ये क्लिकेबल नहीं रहेगा मेरे दोस्तों, समझ रहे हैं आप? आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ड सिलेक्ट कीजिएगा। मैंने वर्ड सिलेक्ट कर लिया है, अब ओके बटन। ठीक है, अब आप
बाहर आते ही आपको इस ये पहला ये देखिए आपको टाइम नज़र आ रहा होगा 8:17, हमें 8:17 को अपना टॉक्स पूरा किया है। वहाँ थ्री डॉट्स है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको इसे डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम जाएंगे हमारे फाइल्स मैनेजर में। ठीक है, तो यहाँ पर फोन स्टोरेज आप डाउनलोड्स में चाहिए, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनटिल्टेड डॉक्यूमेंट, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह आप अपने किसी भी दोस्त या फिर आपके किसी ऑफिस मेंबर का खुद का ईमेल सिग्नेचर बना सकते हैं दोस्तों। आप अपने मोबाइल पर ये बना सकते हैं, कोई भी इसे बना सकता है। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको देखना है कि भाई ये वर्क कैसे करता है, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यह हमारा फेसबुक का, देखिए तो ये मेरा फेसबुक का लोगो है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर क्रोम सिलेक्ट करता हूँ, माफ करना मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। देखा दोस्तों, आप यहां पर सीधा डायरेक्टली मेरे अकाउंट पर आ गए हैं, जैसे ही मेरे लोगो पर क्लिक करते ही आप मेरे अकाउंट पर आ गए हैं। इसी तरह आप अपने दोस्तों का भी ईमेल सिग्नेचर बनवा सकते हैं। ये दोस्तों अब तो आप समझ रहे होंगे कि एक क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है ध्यान से सुनिए, क्या होगा कि इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है जहां से आप वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर बैठे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ट्रूलांसर हो गए, फ्रीलांसिंग हो गए या फिर fiverr.com हो गए। यहां से आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आपने ये तो समझ लिया कि एक क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जिस भी साइट पर आप जाएंगे, फ्रीलांसिंग, fiverr.com या फिर ट्रूलांसिंग, वहां पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिजिटल ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, वहां पर एक ईमेल सिग्नेचर बनाने के $5 से $10, ठीक है $5 से $10 वो आपको दे रहे हैं एक ईमेल का, सिर्फ एक ईमेल का $5 से $10। ठीक है, $5 से $10 का मतलब हमारे इंडियन करेंसी में कितना हुआ, 350 से 750 रुपए एक ईमेल सिग्नेचर बनाने का। दोस्तों ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो अपने क्लाइंट्स के लिए खुद का ईमेल सिग्नेचर बनवाना चाहती है। ऐसी बहुत सारी साइट्स है, आप वहां पर जाकर देखिए आपको ढेरों साइट्स मिलेंगे, आप वहां से मनी अर्न कर सकते हैं, आप वहां से पैसा कमा सकते हैं वो भी घर बैठे। आशा करता हूँ आप तो जरूर एक लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ। अगर आप चाहते हैं कि fiverr.com या फिर किसी भी फ्रीलांसिंग साइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं वो वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए।